students, good morning. So we are continuing our chapter number 12, forms and reports. Last time we have learned about what is form, how can we create. There are two ways to create the form. One is using wizard, second is using design view. Then we have learned about to create form using wizard. Wizard ka use karke humne table ke upar se kaise form banana hai, wo form banana sikha humne. Fir form ko modify kaise karna hai, jaise yahan pe last step mein bhai modify ka option hai. मोडिफाइ द फॉर्म डिजाइन में कैसे चेंज करना है, तो डिजाइन व्यू में हमें जाना पड़ेगा. डिजाइन व्यू में जाके मोडिफाई फॉर्म जो है वो हमने देखा किस तरह से मोडिफिकेशन करना है, यानी कि कोई चेंजेस करने उसके कंट्रोल से उसको कैसे चेंज करना है वो हमने देखा. जैसे सबसे पहले देखा था हमने चेंजिंग लेबल टैक्स, जो लेबल का जो टैक्स है उसको कैसे चेंज किया जाता है. फिर से थोड़ा देखेंगे, जैसे यहाँ पे है, अब आप सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, चेकबॉक्स और लेबल बॉक्स दोनों, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल बॉक्स दोनों साथ में सिलेक्ट होते हैं. हमें कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और फिर क्लिक करोगे तो सिर्फ पर्टिकुलर वो लेबल है वो सिलेक्ट होगा. तो उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कंट्रोल में जाइए तो कंट्रोल में उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी. प्रॉपर्टीज में आप लेबल चेंज कर सकते हो, फिर उसके फॉन्ट कैसे चेंज करने हैं, उसके पोजिशन जो है अलाइनमेंट है वो कैसे चेंज करना है वो सब हमने देखा. Then we have learned about the moving control. इस तरह से आप देख सकते हो कि जैसे उसको सिलेक्ट करते हो ऐसे 8 ग्रीन ग्रीन कलर के हैंडल्स आ जाते हैं जिसके थ्रू आप उसको मूव करवा सकते हो. जो टेक्स्ट बॉक्स है कंट्रोल की दबा के सिर्फ जैसे टेक्स्ट बॉक्स था उसको साइज छोटी बड़ी करनी है तो साइज छोटी बड़ी ऐसे आप कर सकते हो. चेंजिंग द कंट्रोल साइज, कंट्रोल साइज आप चेंज कर सकते हो, ये हमने देखा लास्ट टाइम. इस तरह से हम कंट्रोल चेंज कर रहे थे, पूरा साइज उसकी चेंज कर सकते हैं. साइज चेंज करने के लिए आपके पास एक और भी ऑप्शन है, पोजीशन एंड साइज वाला डायलॉग बॉक्स है वो लाइए. तो वहां पे जाके भी आप विड्थ एंड हाइट आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आपके पास सिंपल ऑप्शन है ग्रीन हैंडल वाला उसके थ्रू भी आप चेंज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग हेल्प टेक्स्ट. नाउ व्हाट इज हेल्प टेक्स्ट, आपको आइडिया होगा कंप्यूटर के अंदर जब आप काम करते हो ना तो माउस पॉइंटर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाओगे ना तो एक येलो कलर की पट्टी के अंदर एक येलो कलर की जैसे लाइन आ जाती है और उसके अंदर लिखा हुआ होता है उसके बारे में. जैसे सेव का टूल है तो उसके पास ले जाऊंगा तो सेव लिखा हुआ आ जाएगा. ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है दैट इज नोन एज द हेल्प टेक्स्ट, उसको हेल्प टेक्स्ट बोला जाता है. तो हमारे फॉर्म के अंदर हमें एक ऐसा हेल्प टेक्स्ट बनाना है जिसको टूल टिप बोला जाता है, नॉर्मली टेक्निकली उसको टूल टिप बोला जाता है. तो ये टूल टिप कैसे क्रिएट करना है वो सीखना है हमें. तो किस तरह से टूल टिप बनेगा, देखिए यहाँ पे भी बताया, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय कोड का है तो माउस पॉइंटर जैसे ही वहां पे ले गया तो वहां पे देखिये वो लिखा हुआ आ गया एंटर एम्प्लॉय कोड, तो ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए. तो ये कैसे बनाना है, ऐसे टूल टिप अगर हमें बनानी है हमारे फॉर्म के अंदर तो कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आज देखेंगे हम कि किस तरह से उसको करना है. तो टूल टिप जो टेक्स्ट है उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसके भी टूल टिप बनानी है जैसे वो फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय कोड का जो टेक्स्ट बॉक्स है तो कंट्रोल की प्रेस करके सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कंट्रोल पे जाइए, चूज कंट्रोल ऑप्शन, द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स उसका खुल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का. वहां पर स्क्रॉलिंग कीजिए और स्क्रॉलिंग करके नीचे आइए जहां पे हमने ये सब बाकी सब देखा था किस तरह से करना है. यहाँ पे लास्ट में आपको एक पॉइंट मिलेगा हेल्प टेक्स्ट का, तो हेल्प टेक्स्ट में जाइए और वहां पे आपको जो भी टूल टिप के लिए टेक्स्ट बनाना है, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन बनानी है वो लिख सकते हो यहाँ पे. जैसे स्टूडेंट का हमने टेबल बनाया फॉर एग्जांपल, उसमें जीआर नंबर का फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक है तो वहां पे लिख सकते हो एंटर जीआर नंबर या फिर एंटर फर्स्ट नेम एंटर सर नेम. ऐसी टूल टिप आप बनाना चाहो तो बना है. यानी होगा क्या, ये बनाने के बाद इसको आप बाहर निकल आए, फिर क्या होगा जब फॉर्म को आप रन कराओगे ना और माउस पॉइंटर जैसे ही वहां पे ले जाओगे ऐसा टूल टिप मैसेज आ जाएगा फॉर एग्जांपल एंटर एम्प्लॉय कोड. देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे माउस पॉइंटर जाएगा एंटर एम्प्लॉय कोड ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा. तो इस तरह से टूल टिप आप बना सकते हो. तो ये एक चीज नई हमने सीखी. नाउ चेंज द डेट फील्ड. जो डेट फील्ड जो होता है ना उसको चेंज कर. नॉर्मली जो डेट के रिलेटेड फील्ड होते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई डेट कौन सी फॉर्मेट में लिखी जाए. जैसे यहाँ पे बर्थ डेट का है, अब बर्थ डेट लिखनी होते हैं तो नॉर्मली आपको पता है कि कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. जैसे कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट बात करें हम तो विंडोज या ऐसा कुछ यूज करो तो उसमें MMDDYY फॉर्मेट आता है, यानी पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर ऐसे फॉर्मेट में आता है. अब जब यूजर एंट्री करता है तो कभी कभी क्या रॉन्ग डेट हो जाने के चांसेस है. तो ऐसा ना हो तो इसलिए क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पे कैलेंडर कंट्रोल रख देते हैं. कैलेंडर कंट्रोल रखने से क्या फायदा होगा, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो
ऐसा जैसे डेट लिखनी है तो वहां पे जैसे माउस पॉइंटर ले जाओगे एक एरो जैसा होगा उसके ऊपर क्लिक करोगे ना कैलेंडर खुल जाएगा। अब कैलेंडर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आप मंथ वाइज जा सकते हो, ईयर वाइज जा सकते हो, तो यहाँ पे ईयर वाइज जाइए, मंथ वाइज जाइए और फिर पर्टिकुलर बर्थ डेट का जो भी मंथ है और ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए और डेट सिलेक्ट कीजिए तो ऑटोमेटिक वहां पे बर्थ डेट लिखी आ जाएगी। ऐसा कैलेंडर कंट्रोल आपने अगर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए होंगे तो बहुत जगह पे आपको मिले होंगे इस तरह से कैलेंडर कंट्रोल आ जाए। तो यहाँ पे आज हम ये कैसे बनता है कैलेंडर कंट्रोल वो सीखेंगे, किस तरह से कैलेंडर कंट्रोल डिजाइन किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहली बात याद रखेगा जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको ये करना है वह उसका डेटा टाइप डेट होना चाहिए, ये याद रखेगा। अगर डेट डेटा टाइप नहीं होगा तो कैलेंडर कंट्रोल उस पर वर्क नहीं करेगा, यानी ये कंफर्म कर लीजिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स की जो डेटा टाइप है वो डेट है। चलिए ये कंफर्म हो गया, सिलेक्ट बर्थ डेट जैसे उसके तो फिल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोलिंग कंट्रोल की यूज कीजिए जैसे उसी वो टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट होगा। अब उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद उसके अंदर क्या आएगा, आपको मिल जाएगा कंट्रोल का ऑप्शन, कंट्रोल ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे कंट्रोल ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे डिजाइन मोड में जाके आप कंट्रोल आइकन ओपन कर सकते हो या फिर कहीं पे भी, आप आपको पता है डिजाइन व्यू में कैसे जाना है। डेट फॉर्मेट प्रॉपर्टीज आपको सिलेक्ट करनी है, वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टैंडर्ड एज द डिफॉल्ट सेटिंग ऐसा आएगा, क्लिक ऑन द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सॉर्ट टू ओपन द लिस्ट, सिलेक्ट द स्टैंडर्ड लॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, स्क्रॉल डाउन द ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टी, इट्स डिफॉल्ट सेटिंग इज नो, ड्रॉप डाउन जो होगा ना उस प्रॉपर्टी सिलेक्ट कीजिए उसमें नो होगा तो उसको क्या कर देना है, आपको यस कर देना है और क्लोज डायलॉग बॉक्स है उसको क्लोज कर दीजिए। जैसे ही जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसको यस कर देंगे फिर जब इस फॉर्म को आप देखोगे ना तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे कैलेंडर कंट्रोल ओपन हो जाए। फिर से बता रहा हूं क्या करना है, अगर समझ में नहीं आया है तो जो डेट फॉर्मेट वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, कंट्रोल में जाइए, प्रॉपर डायलॉग आ जाएगा उसके अंदर, ऐसे प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आ गए। यहाँ पे आप स्क्रॉलिंग करोगे ना तो एक जगह पे एंड में आपको ड्रॉप डाउन ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो जो ड्रॉप डाउन लिखा हुआ जो मिलेगा ना उस ड्रॉप डाउन के अंदर जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो उसमें दो चीजें दिखाई देगी आपको, नो एंड यस। बाय डिफॉल्ट नो होगा उसके अंदर तो उसको चेंज करके यस कर दीजिए, यानी ड्रॉप डाउन क्या एरो पे क्लिक करने से नीचे डाउन साइड में कुछ खुलेगा तो ड्रॉप डाउन को यस कर दीजिए, जिसकी वजह से जो डेट है ना पूरा कैलेंडर कंट्रोल आपके सामने आ जाएगा। वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द डिजाइन मोड ऑन ऑफ आइकन द सेकंड आइकन फ्रॉम द लेफ्ट, दिस विल टॉगल द फॉर्म डिजाइन व्यू टू फॉर्म व्यू वाइस वर्सा, आप बारी बारी उसके अंदर जाके चेंजेस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है चेंजिंग बैकग्राउंड। नॉर्मली जब हमने विजार्ड में बनाया था तो विजार्ड में आपको कुछ लिमिटेड कलर्स मिले थे उसका बैकग्राउंड बना दिया था, तो मुझे वो लिमिटेड कलर में नहीं रहना, मुझे कुछ और ही अलग ही बैकग्राउंड उसका सेट करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से डिजाइन व्यू में जाइए आप, डिजाइन व्यू के अंदर यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करोगे ना तो देखिए यहाँ पे किसी लेबल पे या टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक नहीं करनी है, यहाँ पे जो ब्लैंक पार्ट जो है ना पूरा पेज का वहां पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज नाम का, उस पेज नाम के ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे ऐसा पूरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, देखिए पेज का डायलॉग बॉक्स है ये पूरा। अब इस पेज के डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको देख सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर पेज, बैकग्राउंड, हेडर, फुटर, बॉर्डर, कॉलम, फुटनोट, ऐसे बहुत सारी टैब दिखाई देगी, जिसके अंदर से हमें बैकग्राउंड वाली टैब है ना वो सिलेक्ट करनी है। बैकग्राउंड टैब सिलेक्ट करने के बाद वहां पे देखिए एज लिखा होगा, वहां पे दो ऑप्शन है कलर एंड ग्राफिक। कलर सिलेक्ट करने पे क्या होगा, नीचे बहुत सारे कलर्स का लिस्ट खुल जाएगा जिसके अंदर से आपको जो कलर बैकग्राउंड में रखना चाहो रख सकते हो। अब ग्राफिक क्या होता है, तो ग्राफिक में क्या, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में कुछ इमेज रखते हैं, जैसे कंपनी का लोगो होता है तो कंपनी के लोगो को क्या हो लाइट वर्जन में बना देते हैं और उसको बैकग्राउंड के तौर पे रखना चाहते हैं, या फिर बिल्डिंग का फोटो है या कुछ भी है, मीन्स के अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिले ऐसा कोई पार्ट पीछे बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं तो वहां पे उसकी इमेज बनी होती है, तो ग्राफिक में जाओगे तो वहां से वो इमेज सिलेक्ट कर सकते हो और वो इमेज बैकग्राउंड के तौर पे रख सकते हो। या फिर कलर सिलेक्ट करना बैकग्राउंड कलर, तो कलर पे जाइए, देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है आपके सामने, उसमें स्क्रॉलिंग करने पे भी बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो उसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कीजिए देन ओके कीजिए। जैसे आप ओके करोगे तो वहां पे वो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर आपको जो पसंद है वो कलर वहां पे सिलेक्टेड कलर आ जाए। नाउ सर्चिंग रिकॉर्ड फॉर यूजिंग फॉर्म, किस तरह से रिकॉर्ड सर्च करना है,
फॉर्म बन गया, डिजाइन चेंज कर दिया, बहुत अच्छा सा फॉर्म हमारे सामने बन के आ गया है। अब उसके अंदर फॉर्म में जब काम कर रहे हो फॉर्म में, तो अब यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये फॉर्म है हमारा, यहाँ पे फॉर्म के अंदर सर्च रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो यहाँ पे नेविगेशन के टाइम पे सर्च रिकॉर्ड का जो ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है ना, उसके आगे है, देखिए रिकॉर्ड लिखा उसके आगे के पार्ट में है वो बर्ज है। यहाँ पे विंडोज बेस में अगर ओपन ऑफिस ORG बेस यूज कर रहे हो उसका वर्जन, तो उसमें एक दूरबीन जैसा एक सिंबल दिखाई देगा, लोगो दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो वहां पर सर्च रिकॉर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हो रिकॉर्ड सर्च का ऑप्शन आपके सामने आ गया। क्या क्या है उसमें, तो सबसे पहले सर्च फोर है, जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स होगा, तो टेक्स्ट आएगा जिसमें से आपको जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट सर्च करवाना है वो टेक्स्ट सर्च कर रहा है, या फिर ऐसे कुछ दो ऑप्शंस और भी है, जैसे फील कंटेंट इज नल, ऐसे फील्ड चाहिए मुझे जो नल है, खाली है, वैसे फील्ड का मुझे सर्च करवाना है, या फिर फील कंटेंट इज नॉट नल, जो नॉट नल नहीं है ऐसे सर्च करवाना, तो वैसा सर्च करवा सकते हो। देन वेयर टू सर्च, कहाँ पे सर्च करवाना है आपको, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है रोबीना, तो रोबीना कहाँ पे सर्च करवाना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑल फील्ड सभी में ढूंढना है, या फिर किसी पर्टिकुलर सिंगल फील्ड में ढूंढना है, जैसे रोबीना मुझे फर्स्ट नेम के अंदर ढूंढना है तो सिंगल फील्ड सेलेक्ट करूंगा और वहां से फील्ड का लिस्ट आ जाएगा, उसमें से फर्स्ट नेम फील्ड सेलेक्ट करूंगा और वहां पे वो सर्च होगा। नाउ सेटिंग, उसमें पोजीशंस है, पोजीशंस में आप देख सकते हो एनीवेयर इन द फील्ड, फिर नीचे बहुत सारे ऑप्शन जैसे अप्लाई फील्ड फॉर्मेट, मैच के सर्च बैकवर्ड्स, फ्रॉम टॉप, वाइल्ड कार्ड एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आपका, सर्च के बटन पे क्लिक कीजिए और आपके सामने वो आ जाएगा। देखिए नीचे सर्च करने पे देखिए रोबीना के दो रिकॉर्ड मिले, तो नीचे स्टेटस में लिखा हुआ भी आ गया, देखिए रिकॉर्ड टू, यानी क्या हुआ कि ये जो रोबीना वर्ड है वो दो बार फर्स्ट नेम के अंदर लिखा हुआ है, तो वो आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। सिलेक्ट द सिंगल फील्ड ऑप्शन अंडर द हेडिंग, देन वेयर टू सर्च वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, सिंगल फील्ड के अंदर आपको जो भी जहां पे भी सर्च करवाना वो सर्च कर दिए। देन यहाँ पे सिलेक्ट रोबीना फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, नेक्स्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन ऑब्जर्व दैट द रेडियो बटन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेबल इज सिलेक्टेड, क्लिक ऑन द सर्च बटन, क्लिक ऑन द क्लोज बटन, द एंटायर इन द फॉर्म विल नाउ फिल्ड अप विद द रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू द रोबीना। नाउ लास्ट पॉइंट, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ रिकॉर्ड यूजिंग फ्रॉम फॉर्म व्यू, किस तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, कैसे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। To insert a new record in the table using the form view, perform following steps. Open the form related to the table that you want to enter the data in the form view. Click on the new record button. As a plus sign ke sath arrow jaisa hoga usko on the navigation bar. Type the data in a blank box. Jo pura blank box hi aapke samne aa jayega. Usme jo bhi aapko naya record insert karwana hai, wo naya record uske andar dal dijiye. Then close the form. Fir aap dekho, click on the table icon. टेबल आइकन में जाके देखोगे डेटाबेस विंडोज के अंदर, उसमें जो कुछ भी टेबल, जिस टेबल का फॉर्म आपने फिलअप किया उस टेबल को ओपन कीजिए। टेबल ओपन करने के बाद आपको देखा, यू विल फाइंड दैट द रिकॉर्ड इंसर्टेड बाय यू इज नाउ स्टोर्ड इन द टेबल, उस टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड आ जाएगा। यानी इस बार क्या होगा, हमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है वो रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट करने की जगह पे कहाँ पे करेंगे, फॉर्म के अंदर, और फॉर्म में जैसे जैसे रिकॉर्ड एंटर होता जाएगा ऑटोमेटिक वो उसके पर्टिकुलर टेबल के अंदर भी सेव होता जाएगा। नाउ अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है फॉर्म के अंदर से, रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो यू कैन ऑल्सो डिलीट अ रिकॉर्ड थ्रू द फॉर्म यूजिंग डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन। ऐसा एरो जैसा होगा, क्रॉस साइन जैसा होगा, वो डिलीट के लिए ऑप्शन है। दिस बटन ऑन द फॉर्म व्यू टूल बार, क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल डिलीट द करंट रिकॉर्ड। उस टाइम पे आपके स्क्रीन के ऊपर फॉर्म के अंदर जो भी रिकॉर्ड दिखाई देगा, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ नंबर का रिकॉर्ड है वो स्क्रीन के ऊपर है और आपने डिलीट रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक किया, तो क्या होगा, वो जो है फिफ्थ नंबर का रिकॉर्ड वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। द नेक्स्ट रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले ऑटोमेटिक, और उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। दिस ऑपरेशन विल ऑल्सो रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल। और उसके साथ ये भी याद रखेगा, जैसे फॉर्म में जैसे रिकॉर्ड डिलीट करो वो सीधा रिकॉर्ड कहां से डिलीट हो रहा है, टेबल में से डिलीट हो रहा है, यानी फॉर्म में भी डिलीट हो गया, फॉर्म इज रिलेटेड टू द टेबल, तो उस टेबल में से भी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से टेबल के अंदर आप डेटा इंसर्ट और रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए अब यहां तक, यहाँ पे फॉर्म हमारा फिनिश हो चुका है, किस तरह से फॉर्म डिजाइन करना, कैसे फॉर्म बनाना है वो सीख लिया। फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाके आपको क्या चेंज, विजार्ड के थ्रू आप नॉर्मली हमने
किसी भी टेबल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्म विजार्ड ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके विजार्ड में जाके फॉर्म बना दीजिए। फॉर्म बनाने के बाद स्टेप्स फॉलो कीजिए, फॉर्म बन जाएगा। उसके डिजाइन में कुछ चेंज करना है अब उसमें राइट मॉडिफिकेशन के अंदर जाइए, या फिर फॉर्म बन चुका है उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट में जाइए। जो डिजाइन में चेंजेस करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंजेस करना है, साइज छोटी बड़ी करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, बहुत कुछ चेंजेस है जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, तो वो सब चेंजेस कर सकते हो और एक अच्छा सा मजे से फॉर्म बना सकते हो जिसके अंदर रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो और आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहो रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हो। बराबर है। तो चलिए यहाँ पे आज हमारा फॉर्म फिनिश हो गया। इस चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक है रिपोर्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के दिन के लिए बस यही, यहाँ तक ही। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरिओम।